नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा जो चैप्टर है रियल नंबर, और इस रियल नंबर में हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे 6+√2 है, 3-2√5 है, 7√5 है, 1/√2 है, इन सबको इरेशनल शो करना है तो कैसे शो करेंगे। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कि √2, √3, √5, √7 अगर ऐसा नंबर दिया हुआ तो उसको हम कैसे इरेशनल शो करते हैं। एक चीज़ और, आपको हम नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में ही बताए थे कि हमेशा अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो इन दोनों का सम इरेशनल होता है। फिर रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी रेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होता है। फिर रेशनल और इरेशनल का जो कोशेंट आता है ये भी इरेशनल आता है। तो इस चीज़ को अब यहाँ हम प्रूफ के तौर पे भी देखेंगे कि आखिर कैसे इरेशनल होता है। तो हम जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ भी जो प्रूफ हम करेंगे कंट्राडिक्शन के बेसिस पे ही प्रूफ करेंगे। तो देखिए पहला प्रूफ करते हैं हम, आपको दे रहा है कि 6+√2 क्या दिखाना है, तो इरेशनल दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का मतलब यदि संभव हो तो, सपोज कर लेते हैं 6+√2 इज रेशनल, यानी संभव हो तो मान लिए कि 6+√2 जो है कैसा नंबर है, तो रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो इसको रेशनल नंबर का जो फॉर्मेट है उस फॉर्म में आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी 6+√2 को क्या लिख सकते हैं, तो P/Q लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिखा देंगे वेयर P and Q आर इंटीजर्स। P और Q दोनों क्या होगा, इंटीजर्स होगा, बट इंटीजर होते हुए भी क्यू का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इतना सपोज करने के बाद एक चीज आपको माइंड में रखना है कि आपको यहाँ पे सेपरेट करना है, यानी एक सेपरेशन का प्रोसेस करना है। क्या सेपरेशन का प्रोसेस करना है, तो इसमें जो भी दिख रहा ना तो इसमें इरेशनल पार्ट को एक तरफ कर लीजिए और रेशनल पार्ट को एक तरफ कर लीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सम में हो, डिफरेंस में हो, प्रोडक्ट में हो या फिर कोसेंट में हो, तो आपको वही बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ 6+√2 = P/Q है, तो √2 तो हम जानते हैं इरेशनल है, पहले प्रूफ भी किए हुए हैं, तो हम √2 को सेपरेट कर लेते हैं, नहीं इसी साइड में रहने देते हैं। और इधर क्या करेंगे, तो P/Q, और ये आपका +6 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं यहाँ से √2 = 6/1, तो क्यू और वन का जो एलसीएम होगा क्यू होगा, क्यू से क्यू में डिवाइड करेंगे तो वन, और वन से पी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी, माइनस फिर 1 से डिवाइड कर दी क्यू में तो क्यू, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6Q। अब यहाँ देखने वाला क्या बात है कि √2 जो दिख रहा है ये एक इरेशनल नंबर है, जिसको हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। फिर आपका जो पी जो दिख रहा है, तो पी क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर हमेशा ही रेशनल नंबर होता है। क्यू भी इंटीजर है, ये भी रेशनल नंबर होगा, तो 6Q का जो प्रोडक्ट होगा, यानी जो 6Q है ये भी रेशनल नंबर है। तो दोनों का डिफरेंस रेशनल और क्यू भी रेशनल, यानी टोटल नंबर जो दिख रहा है क्या है, तो एक रेशनल नंबर है, और ये जो दिख रहा है क्या है, तो इरेशनल नंबर है। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा, तो हमारा जो रॉन्ग सपोजिशन है इसी के वजह से यहाँ पे कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे हेयर √2 is irrational। √2 क्या है, तो इरेशनल है, बट लेकिन P-6Q/Q इज रेशनल। ठीक है, ये क्या है, रेशनल है। फिर लिखेंगे यहां से विच इज नॉट पॉसिबल, यानी ऐसा संभव नहीं है कि कोई इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। तो अब आगे क्या लिखेंगे, देयर इज ए कंट्राडिक्शन, यानी यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन हो रहा है, यानी विरोध हो रहा है, कंट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन डैट, रॉन्ग सपोजिशन क्या था, तो 6+√2 इज रेशनल, यही सपोजिशन जो था क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे जब सपोजिशन रॉन्ग है इसका मतलब है कि 6+√2 जो है रेशनल नहीं है, क्या है, तो इरेशनल है। ठीक है, लिखेंगे
हैंस 6+√2 इज इरेशनल। तो इस तरीका से हम शो कर लिए कि 6+√2 एक कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। आगे ये जो क्वेश्चन देख रहा है इसको भी हम सेम लैंग्वेज लिखेंगे, यानी यहाँ तक का लैंग्वेज सबका सेम होगा, इसके बाद यहाँ तक भी ये भी लैंग्वेज मैच करेगा। हम बीच वाला प्रोसेस बता दे रहे हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो जैसे हमको शो करना है कि 3-2√5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 3-2√5 को पहले हम रेशनल सपोज करेंगे। तो जब रेशनल सपोज करेंगे तो उस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3-2√5 इक्वल हो जाएगा p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको हम बताएं आपको क्या करना है कि एक तरफ इरेशनल और एक तरफ रेशनल को सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये आपका 3 है, ये प्लस p/q है इधर आएगा तो माइनस में p/q हो जाएगा, ये आपका -2√5 है इधर आएगा तो प्लस में 2√5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3/1 तो यहाँ एलसीएम कर देंगे तो q से 1 में डिवाइड किए तो q यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3q, माइनस q से q डिवाइड करेंगे 1, अब 1 से p में मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल हो जाएगा 2√5। अब क्या होगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी इसको लिख सकते हैं 3q माइनस पी बाई 2q इक्वल टू हो जाएगा √5। अब दिख रहा है इसका जो LHS है, LHS ये आपको एक रेशनल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, RHS जो है इरेशनल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, यानी यहाँ भी कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। अब इसके बाद जैसे यहाँ लैंग्वेज लिखे सेम लैंग्वेज लिखेंगे और सो हो जाएगा कि 3-2√5 कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। इसके बाद देखते हैं 7√5 को कैसे शो करेंगे इरेशनल। तो यहाँ भी सबसे पहले लिखेंगे इफ पॉसिबल सपोज 7√5 इज अ रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर होगा तो उस केस में 7√5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद बताएं आपको एक तरफ इरेशनल और एक तरफ रेशनल नंबर को सेपरेट कर लेना है। तो इधर हो जाएगा √5 और इस 7 इंटू में है इधर आएगा तो डिवाइड में, तो p/ क्या हो जाएगा तो 7q, यानी आपका इरेशनल दिख रहा है और इरेशनल दिख रहा है, यहाँ भी कंट्राडिक्शन अराइज होगा, इसके बाद सो हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे यहाँ चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका 1/√2 है और इसमें भी बोल रहा है कि इरेशनल नंबर शो कीजिए। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा नंबर आता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल दिया हुआ, तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप उसको एक बार रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज कर लेने से आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ जो 1/√2 है इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो √2/√2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा 2, इतना आ गया, यानी √2/2। √2/2 को हम रेशनल मानेंगे तो ये p/q हो जाएगा, p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद आपको हम बोले सेपरेशन करने के लिए एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल, तो √2 इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू मैंने 2p/q, यानी आपका रेशनल दिख रहा है इरेशनल दिख रहा है, कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। और उसके बाद यहाँ भी सो हो जाएगा कि √2/2 कैसा नंबर है, तो इरेशनल। तो √2/2 को ही हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/√2, यानी फाइनली मिल जाएगा कि 1/√2 जो है एक इरेशनल नंबर है। कभी कभी यही सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो वहाँ लिख देता है कि √2 इरेशनल है, तो भी आपको देखना है, अगर √2 लिख दिया इरेशनल तब भी ऐसा ही प्रूफ होगा, और √2 इरेशनल नहीं लिखता है तब भी सेम प्रोसेस है, जैसे प्रूफ किए वैसे ही प्रूफ होगा। तो इस वीडियो में आप देख लिए कि कैसे हम शो करते हैं इरेशनल नंबर को, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।